Hello students, welcome to our YouTube channel. In this video, you are going to learn the 7th chapter of your 8th standard geography, population. So in this video, you will learn what is population, population density, sex ratio, life expectancy, birth rate, death rate, migration, आउट माइग्रेशन, इन माइग्रेशन, बहुत सारी चीज़ सीखोगे जो कि ना सिर्फ आपको इस साल काम आएगी बल्कि 10th स्टैंडर्ड में भी एक चैप्टर है पॉपुलेशन, राइट? तो वहाँ पे भी सेम चीज़ एप्लीकेबल रहेगी. तो गवर्नमेंट, मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये चैप्टर आपको क्यों रखा है 8th स्टैंडर्ड में. उसका सबसे पहला कारण ये है कि गवर्नमेंट विल एजुकेट यू. आपको गवर्नमेंट एजुकेशन नॉलेज देना चाहती है कि पॉपुलेशन बढ़ाना इम्पोर्टेंस नहीं है बल्कि पॉपुलेशन लोगों का वेल एजुकेटेड होना इम्पॉर्टेंट है. इफ़ द पर्सन विल बी वेल एजुकेटेड, ही विल गेट अ गुड एम्प्लॉयमेंट, राइट? उसके पास स्किल रहना ज़रूरी है, उसके पास कुछ हुनर रहना ज़रूरी है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये चैप्टर रखा. तो हम ये सारी जो टर्मिनोलॉजी मैंने दिखाया, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशो एक्सेट्रा, के बाद हम देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, राइट? तो ये जो चैप्टर रहेगा टोटल 3 पार्ट में रहेगा. अभी हम पार्ट 1 देख रहे हैं. सो इन दिस चैप्टर बहुत सारे जैसे एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, ये टेबल देख के आपको आंसर करना है. बहुत सी इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर है. तो मैं इस पर फोकस ना करते हुए मेन टर्मिनोलॉजी है उस पर फोकस करूँगा. सबसे पहले आ जाता है कि बर्थ रेट क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों होता है. पॉपुलेशन ग्रोथ किसी एरिया में, आप इंडिया में देखो, इफ़ यू ऑब्जर्व द मैप ऑफ इंडिया, राइट? तो अगर आप मैप ऑफ इंडिया में ऑब्जर्व करोगे ना, तो ऊपर साइड में ये उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. इंडिया का टोटल 135 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें से करीब करीब 20 करोड़ पॉपुलेशन सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश का है. जबकि अब क्वेश्चन आ जाता है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश, बिहार में, उत्तर प्रदेश और बिहार में पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है. बिकॉज वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, वहाँ की जो लैंड है, ज़मीन है, बहुत ही फर्टाइल है, पैडी राइस वगैरह आसानी से उग जाता है, खेती की ज़मीन है, इसलिए पॉपुलेशन, और फ्लैट ज़मीन है इसलिए पॉपुलेशन ज़्यादा है. अगर हम उसके ऑपोजिट में देखेंगे, जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाका है, राइट? जम्मू कश्मीर ले लो, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ले लो, पहाड़ी इलाका, जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है लाइक असम, नागालैंड, मणिपुर, ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम मिलेगी क्योंकि वहाँ पर वो प्लेन एरिया नहीं है, एग्रीकल्चर फील्ड नहीं है, इस वजह से पॉपुलेशन कम है. वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी कम है, इसलिए पॉपुलेशन वहाँ का कम. जबकि इफ़ यू ऑब्जर्व अवर स्टेट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पॉपुलेशन ज़्यादा होने का कारण क्या है, महाराष्ट्र इज़ द सेकेंड पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया. बिकॉज यहाँ महाराष्ट्र इज़ अ इंडस्ट्रियलाइज स्टेट, हमारे इधर से मुंबई जो इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया का. नाउ वी विल सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग किसी जगह का पॉपुलेशन ज़्यादा कम होने का रीज़न क्या है. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हमारे महाराष्ट्र में ज़्यादा है, यूपी में ज़्यादा है, जबकि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कम है. क्योंकि राजस्थान में डेजर्ट एरिया है, राजस्थान का जो एरिया है, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एज पर द एरिया के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा है, लेकिन वहाँ पर पॉपुलेशन कम है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श है. तो अब फिजिकल फैक्टर्स है, उसमें लोकेशन आ गया, रिलीफ आ गया, क्लाइमेट आ गया, सॉइल आ गया, मिनरल रिसोर्स आ गया. लाइक अगर क्लाइमेट अच्छा है, जैसे साउथ इंडिया में क्लाइमेट अच्छा है तो वहाँ पे पॉपुलेशन अच्छा है. इकोनॉमिक फैक्टर लाइक यूपी में एग्रीकल्चर लैंड अच्छा है, महाराष्ट्र में इंडस्ट्री ज़्यादा है तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है. अर्बनाइजेशन, आप देखो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह में पॉपुलेशन ज़्यादा होने का कारण क्या है, क्योंकि ये अर्बनाइज स्टेट है, अर्बनाइज सिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ज़्यादा है मुंबई, पुणे, नासिक में, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, मार्केट्स वगैरह है. अब पॉलिटिकल फैक्टर्स, अगर वॉर ज़्यादा हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कंट्री वाइज देखते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे सीरिया, यमन, आपने सुना होगा सीरिया, यमन में बहुत ज़्यादा जंग होती है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही स्कैर्स है, बहुत ही कम है, वहाँ से लोग माइग्रेट करके दूसरे कंट्री में जा रहे हैं. पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है सीरिया, यमन, इराक में. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी बहुत अफेक्ट करती है पॉलिटिकल फैक्टर्स है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में. सोशल फैक्टर क्या है कि रेस रिलीजन लैंग्वेजेस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन भी अफेक्ट करती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे. नाउ अब ये देख लेते हैं जल्दी से बर्थ रेट क्या है. नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर शोज द बर्थ रेट, यानी कि 1000 लोगों में कितने जिंदा लोग पैदा हुए, बच्चे पैदा हुए, तो उसको बर्थ रेट कहते हैं. डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर शोज द डेथ रेट, एक साल में 1000 पीपल में कितने लोगों की डेथ हुई, उसको डेथ रेट कहते हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि एवरेज एक बंदा, मतलब किसी एरिया में, जैसे हमारे कंट्री इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोला जाता है 68 ईयर, जो कि आप 10वीं में सीखोगे 10th स्टैंडर्ड में, जबकि ब्राज़ील का 75 साल है, 75 ईयर्स है एवरेज लाइफ फॉर द ब्राज़ीलियन पीपल. लाइफ एक्सपेक्टेंसी ब्राज़ीलियन पीपल की 75 साल है, 75 ईयर्स, के वहाँ पर उस कंट्री में, उस देश में, उस इलाके में कितने लोग, कितनी
उम्र तक जिंदा रहते हैं। द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड इन एन एरिया एट द टाइम ऑफ बर्थ। माइग्रेशन मतलब द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम और ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम वन एरिया टू द अनदर एरिया, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब माइग्रेशन में भी ना विद इन अ कंट्री, एक सिटी से आप देखते हो कि आप महाराष्ट्र में बहुत सारे जो बड़े बड़े सिटीज़ है लाइक मुंबई, पुणे, नासिक, तो जो गांव के लोग हैं वहां पे वो माइग्रेट होते हैं बड़े शहरों में। काय के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है क्या? तो इट्स वेरी सिंपल, द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री टू इट्स एरिया इज अ पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी कि फॉर एग्जांपल के तौर पे इंडिया का मैंने बताया कि 135 करोड़ पॉपुलेशन है, उसको अगर डिवाइड कर देंगे 32,87,263, ये हमारा स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है, उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मिलता है 2011 के सेंसस के हिसाब से 382 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इंडिया में 382 लोग, 382 पीपल रहते हैं। सो यू कैन सी द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ रीजन, यू विल गेट द पॉपुलेशन। अब नाउ यू थ्रू दिस टेबल यू कैन अंडरस्टैंड दैट उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ पीपल रहते हैं, लेकिन वहां का एरिया है 240,000 स्क्वायर किलोमीटर। महाराष्ट्र में 11 करोड़ रहते हैं 3 लाख, लेकिन महाराष्ट्र का एरिया बड़ा है तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम मिलेगी, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मिलेगा। अब राजस्थान में देख लो, राजस्थान में सिर्फ 68 लाख लोग रहते हैं, 68,54,837, जबकि वहाँ का एरिया 3,42,000 है। मैंने बताया कि राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एज़ पर द एरिया, यानी कि ये समझ लो डेंसिटी मतलब कितना वो गुंजान आबादी वाला इलाका है, वो एरिया कितना भरपूर पॉपुलेशन से डेंस है। अब मुंबई में देख लो, मुंबई का एरिया बहुत छोटा है लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन 2 करोड़ के करीब है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि इसीलिए लंबी लंबी बहुत सी ऊंची बिल्डिंग रहती है। मीन्स अगर आप अपने एरिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फाइंड करना चाहते हो तो आपको आपका सिंपल है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ से 1 स्क्वायर किलोमीटर ले लो, है ना, लेंथ एंड ब्रेथ में, और वहाँ पे देख लो कितने पॉपुलेशन रहते हैं, तो यू विल गेट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन है उस एरिया का, तो यू विल गेट द पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैन बी सब डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज बाय स्टडिंग द कोरिलेशन बिटवीन द सब डिविजन्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। लाइक ग्रुप्स में मेल, एडोलेसेंट्स, एडोलेसेंट मतलब जो अडल्ट से पहले का जो एज ग्रुप है 15 से 17 साल के दरमियान का, इलिटरेट चिल्ड्रेन, अनएम्प्लॉयड इन्फेंट्स, लिटरेट, रूरल, वर्किंग पॉपुलेशन, अर्बन, फीमेल, ओल्ड, यंग एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन अडल्ट। सो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स रेशो। अब सेक्स रेशो क्या है, मतलब कि फॉर एग्जांपल के तौर पर कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि टोटल नंबर ऑफ सेक्स रेशो इज आर रेशो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पर टोटल नंबर ऑफ मेल्स इंटू 1000। यानी कि सिंपल के नंबर ऑफ फीमेल्स, या फिर देख लो आपको 10th स्टैंडर्ड में भी इसका डेफिनेशन रहेगा, सेक्स रेशो इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ फीमेल टू द 1000 मेल। 1000 मेल में कितने फीमेल्स है किसी एरिए में, अगर 1000 मेल है तो उसी एरिए में फीमेल्स कितने हैं, इसके जरिए सेक्स रेशो पता चलता है। अब आप ये ग्राफ के जरिए समझ सकते हो कि केरला में जो है ना फीमेल्स 1084 है, जबकि अदर स्टेट में बिलो 1000 है, यानी कि सारे स्टेट में सेक्स रेशो बहुत ही कम है, तो इसलिए चिंता क्या विषय है, जबकि केरला में फीमेल्स ज़्यादा है, 1000 मेल से ज़्यादा है, इसलिए केरला का सेक्स रेशो अच्छा है। तो अब सेक्स रेशो क्यों है, इसका क्या एप्लीकेशन है, इस वीडियो के मैं पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके।